नैना देवी व झुणुता विधानसभा क्षेत्र की जनता का 18 वर्षों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण बागछाल पुल दोनों छोर आखिरकार आपस में जुड़ गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह द्वारा इस पुल की आधारशिला जकातखाना में रखी गई थी और उसके बाद पुल की नींव में गड़बड़ी आ जाने से पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में पुल का निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया और अब करीब 18 वर्षों के बाद ग्रामीणों का सपना साकार होने जा रहा है। गोविंद सागर झील पर बने 330 मीटर लंबे इस पुल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं। वहीं इस पुल को खोलने को लेकर मार्च 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन जिस गति से पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है उसे देखते हुए बताया जा रहा है कि इस पुल का पहले ही उद्घाटन होने की उम्मीद जताई जा रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि कल जो है हमारा बागछाल पुल जो है जुड़ गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टेक्निकली इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जो बीच में बंद भी हो गया था, फिर इसका दोबारा से डिज़ाइन बना और ये वो पिलर वाइज अगर पिलर की डिस्टेंस वाइज देखें तो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये ब्रिज जो है बन के तैयार हो गया है, तो मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो गया, जुड़ चुका है। अभी इसमें 2-4 महीने और लग के हम इसको तैयार कर देंगे और इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है चाहे वो धर्मशाला के साथ हमीरपुर के साथ जो है वो बढ़ जाएगी और हमारे जो 2 सब डिविजन्स नैना देवी और झुणुता इससे काफ़ी जुड़ जाएंगे और काफ़ी शॉर्ट रास्ता हो गया है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, गाँव फलवाड़, और मैं भी इस पुल से बहुत कुछ फायदा होने वाला है, हमारे 14 पंचायतों को फायदा होने वाला है। खासकर जो बंदे बद्दी नालागढ़ में रहते हैं उनको भी डेली अप डाउन कर सकते हैं और जो हमारे ट्रक भाई बरमाणा दाड़ला जैसे बाघा ड्राइवर है उनके लिए इसका बहुत फायदा होगा।